सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अभी तक हमने तीन शेप्स के बारे में डिटेल में पढ़ाई की, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ठीक है, अब बचे दो शेप्स। अभी जो प्रैक्टिस सेट हम करेंगे उसमें हम कोन के बारे में सीखेंगे। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी इस कोन में भी चार फॉर्मूले हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज एक पेज पे ये चारों फॉर्मूले लिखने हैं एंड उसको अपने ड्रॉअर पे एक जगह पे स्टिक करना है, चिपकाना है, ताकि जब भी आप वो ड्रॉअर खोलो आपकी नज़र इस फॉर्मूले पे ज़रूर पड़े। सो अब तक पिछले वीडियो में हमने टोटल 9 फॉर्मूले पढ़े हैं, अभी होगा पर 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। ठीक है, सो कोन का फॉर्मूला पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहूँगा। ये है कोन। ओके, आपने कोन का सबसे नीचा, मतलब नीचे वाला या निचला हिस्सा देखा है, वो कौन सा शेप का होता है? सर्कल, है ना। अगर आपने कोन आइसक्रीम खाई होगा ऑब्वियसली, तो जो सबसे नीचे का पार्ट होता है वो कौन सा होता है? सर्कल। ओके, सर्कल का ये जो पार्ट होता है बीच में से लेके ये एंड तक, इसको कहते हैं रेडियस। ओके, अब कोन में स्टूडेंट्स दो लेंथ होता है, मतलब दो हाइट जैसा बोल सकते हो, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर हाइट। क्यों? 90 डिग्री है ना, जो स्ट्रेट लाइन है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट, इसलिए उसको एच नाम दिया है। जो दूसरा होता है उसको कहते हैं स्लांट हाइट। स्लांट मतलब टेढ़ा है, यू कैन सी डैट। ओके, हमेशा याद रखना इसमें तीन चीज़ होता है, रेडियस आर, परपेंडिकुलर हाइट यानी एच, और स्लांट हाइट उसको आप एल बोलते हो, एल यानी लेंथ कह सकते हो, इसलिए उसको एल दिया है। अब फॉर्मूला पे आते हैं स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन। आपको अच्छे से पता है जो कोन का जो बेस है वो सर्कल है, और आपको एरिया ऑफ सर्कल पता है पाई आर स्क्वायर, करेक्ट? कुछ याद आया? अगर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, जो बेस है वो भी एक सर्कल है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझ के करोगे तो आपके लिए लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, जो बेस है वो होगा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कितना कर्व्ड है वो, उसका सरफेस एरिया कितना है, वो होता है पाई आर एल। पाई यानी 22/7 या फिर 3.14, आर यानी रेडियस, एल यानी स्लांट हाइट। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, एक होता है कर्व सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, जैसे आपने सिलेंडर में देखा था वैसे यहाँ पे कोन में भी है, कितना होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉल्यूम, यानी एक कोन में कितना आपका आइसक्रीम जाएगा, या कितना आप उसमें पानी भर सकते हो, या फिर कितना आप हवा भर सकते हो, वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये प्लीज़ अच्छे से नोट कर लेना। अब फॉर्मूले पे पूरा गेम है स्टूडेंट्स, अगर वो आ गया तो फिर मतलब आपको सम्स और अच्छे से आ जाएंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस एट 9.2। द परपेंडिकुलर हाइट यानी ये वाला स्टैंडिंग वाला ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने लिख लिया, बनाओगे डायग्राम तो बहुत अच्छा है, बनाना ही चाहिए, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो बनाओ स्टूडेंट्स, तो आपको सम्स करने में आसानी हो जाती है। एंड इट्स स्लांट हाइट, मतलब जो टेढ़ा हाइट है, टेढ़ा वाला, वो कितना है? 13 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, ये आपका एच परपेंडिकुलर हाइट, ये आपका स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स रेडियस, तो आपको आर निकालना है। समझ में आ गया, किसका? ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ये जो बेस है, ठीक है, उसका आपको आर निकालना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको कोई ज़्यादा ये डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, 2 साल पहले चले जाओ, 7th स्टैंडर्ड में आपने एक चीज़ सीखा था, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये और ये तीनों साइड को मिला के राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज, याद आया कुछ? 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ठीक है, डोंट वरी, हम सम करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमेशा की तरह आपको गिवन लिखना पड़ेगा, हाइट कितना है? 12 सेंटीमीटर, और उसका स्लांट हाइट कितना है? 13 सेंटीमीटर। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको लिखना पड़ेगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर कितना होता है? 1 साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस कितना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 90 डिग्री के जस्ट सामने देखो, आजू बाजू मत देखो, 90 डिग्री के जस्ट सामने 13 है। वन साइड, अब इसको मान लो वन साइड कितना है?
12 स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर है ना, वन साइड का स्क्वायर मतलब ये कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, वन साइड स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर, प्लस प्लस अदर साइड स्क्वायर, दूसरा साइड कौन सा है आर, सो अदर साइड स्क्वायर कितना होगा आर स्क्वायर। समझ में आ गया, इसको सॉल्व करना है। 13 का स्क्वायर मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना होता है 169, अगर नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144, अगर नहीं आता है याद नहीं है तो मल्टीप्लाई करो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 आएगा आंसर, बस आर स्क्वायर मुझे ये चाहिए आर। ओके सो 144 को, 144 के पहले क्या साइन है, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, मतलब क्या है वो प्लस। बहुत बच्चे ये वाला साइन देखते हैं गलत करते हैं, बाद वाला साइन मत देखो, 144 के पहले यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है मतलब प्लस है। 144 को मैं जब ये साइड भेजूंगा सो प्लस 144 क्या हो जाएगा -144, दोनों को माइनस करो आंसर आएगा 25। आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, लेकिन स्टूडेंट्स मुझे आर स्क्वायर नहीं बोला, मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स रेडियस, मुझे सिर्फ आर फाइंड करना है। सो अगर आर स्क्वायर 25 है, व्हाट आई विल डू इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे मैं स्क्वायर रूट लूंगा, तो जो आर स्क्वायर है वो जाएगा आर, और जो 25 है किसका स्क्वायर रूट है, 25 का स्क्वायर रूट क्या है, आई रिपीट 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5, क्योंकि 5 इज़ अ 25। ठीक है, आर स्क्वायर का आर हो गया और 25 का 5 हो गया, क्यों, मैंने स्क्वायर रूट लिया, डेट इज आर इज 5 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना है 5 सेंटीमीटर। सो हमने ये देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 में महज पाइथागोरस थ्योरम के मदद से हमने ये सब सॉल्व किया, इसमें फॉर्मूला यूज हुआ ही नहीं है अभी तक, ये जो 4 फॉर्मूले हमने देखे। ओके क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स थोड़ा लेंदी है, सो आई डोंट थिंक ये आपका जो अभी ऑनलाइन एग्जाम चालू है या होगा, आई डोंट थिंक टीचर इतना टफ पूछ सकता है, उसमें कुछ टफ नहीं है, अगर स्कूल में कर रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा लेंदी है, स्टेप्स थोड़े बड़े पड़े। ओके सो मैं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कर रहा हूँ, आई विल जस्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके कर्व सरफेस एरिया दिया है और उसका क्या दिया है, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर आर दिया है, फाइंड इट्स स्लांट हाइट, स्लांट हाइट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स एल, एंड परपेंडिकुलर हाइट और ये भी ढूंढना है आपको, और पाई कितना क्वेश्चन में बोला है 3.14, तो गलती से भी आप 22.7 नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया है 3.14 लेना है, मतलब 3.14 ही लेना है। सो मैंने एक डायग्राम बनाया है आपके नॉलेज के लिए, यानी आपको थोड़ा आसान हो जाए। ओके परपेंडिकुलर हाइट एच, स्लांट हाइट एल और रेडियस दिया है, रेडियस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 8 सेंटीमीटर है, आपको एच नहीं दिया है, आपको एल नहीं दिया है, अगर दोनों में से एक भी दिया होता सो अगेन पाइथागोरस थ्योरम से हम उसको निकाल लेते, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है ना एच है ना एल। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर दी गई है, आपको कर्व सरफेस एरिया दिया गया है जो कि 251.2 स्क्वायर सेंटीमीटर है। सो गिवन में हमको लिखना पड़ेगा क्या क्या हमें दिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इतना है 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यू कहो स्क्वायर सेंटीमीटर, और आपको रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर, बस इतना ही दिया है। तो स्टूडेंट्स अभी गाड़ी हम आगे कैसे बढ़ाएं, जो गिवन दिया रहता है वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, ये आपने पिछले वीडियो में भी देखा था और आगे भी आप यही देखोगे, जो क्वेश्चन में दिया रहता है मतलब गिवन में दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया है गिवन में दिया है वही चीज़ आपको फॉर्मूला में लगाना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बोला है तो ठीक है भैया हम भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फॉर्मूला क्या है उसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का पाई आर एल, ठीक है पाई आर एल कहाँ पे चला गया, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है पाई आर एल। अब आपको क्वेश्चन में और गिवन में कर्व सरफेस एरिया दिया गया है कितना है 251.2, सो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के बदले में क्या लिखूंगा 251.2 इक्वल टू पाई, हमें कितना बोला है क्वेश्चन में 3.14, तो हम पाई के बदले लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 8, तो आर के बदले लिखा 8, और एल जो कि स्लांट हाइट है वो मुझे ढूंढना है तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ओके सो एल के साथ यहाँ पे सब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मुझे नंबर्स एक साइड लिखना है और जो एल है वो एक साइड रखना है, तो यहाँ पे सब एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको मैं यहाँ पे नीचे लेके आऊँगा, हो जाएगा डिवाइड 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8, लेकिन वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको देखो कैसे, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत लोगों को आता है अच्छी बात है, बट ध्यान से देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे एक नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ पे दो नंबर है, सो ज़्यादा कौन सा है एक नंबर या दो नंबर, दो नंबर ज़्यादा बड़ा है, ठीक है इसलिए क्या करेंगे
ये जो भी नंबर है इसको वैसे का वैसे लिखो, ये जो भी नंबर है या इसको देख देख के वैसे का वैसे लिखो, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करने का, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद दो नंबर है तो दो जीरो वाले नंबर के साथ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर पॉइंट के बाद तीन नंबर होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर होता तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम ये 100 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, ताकि जो पॉइंट है वो निकल जाए। सो स्टूडेंट्स ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, 251.2 मल्टीप्लाई बाय 100 अच्छे से मल्टीप्लाई करना, आपको आंसर आएगा 25120। और नीचे का जो नंबर है इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपली 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये पॉइंट निकल जाएगा, 314 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, ये पॉइंट हटाने के लिए तो हमने इतना मेहनत किया, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। सो 3.14 को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है उसको, डायरेक्टली 314 लिख दो 8। ये जो पॉइंट के बाद दो नंबर है, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट का दो नंबर है उसके लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, और ये जो दो जीरो है वो इस पॉइंट को ले गए। तो 3.14 कितना होगा, 314 8। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, बहुत लोग यहाँ पे आप लोग कटिंग कैंसिलेशन करते हो, यू आर गुड टू गो, आप कर सकते हो, ठीक है, आपको जैसा करना है करो, आंसर आने से मतलब है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये नंबर वैसे का वैसे ही लिखा और ये नीचे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 2512। एंड आप अच्छे से देख सकते हो, ये 1 से जाएगा और ये 10 से जाएगा, कैसे, 2512 मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा तो मुझे क्या मिलता है, 25120। ठीक है, दोनों को कैंसिल आउट करो, आपको आंसर आएगा 10 और 1। ये कैंसिल पेंसिल और पेंसिल से करना है आपको, बहुत बच्चे यहीं पे कैंसिल करते हैं, ठीक है, लेकिन आंसर राइट आना चाहिए। 25120 25120 10 जार, ठीक है, सो 10/1 कितना होता है 10, डेट इज आपका स्लांट हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आपके पास रेडियस तो है, क्वेश्चन में दिया था 8 सेंटीमीटर, आपको ये भी मिल गया, आप पाइथागोरस थ्योरम से आप एच भी निकाल लोगे, लेकिन कैसे करेंगे ध्यान से देखना, बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड है, एल, ये हाइपोटेन्यूस है, इसलिए हाइपोटेन्यूस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस के बदले क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर, 1 साइड कौन है एच स्क्वायर और अदर साइड्स कौन है आर स्क्वायर। सो एल कितना है स्टूडेंट्स, अभी अपने निकाला था 10 स्क्वायर, एच तो मुझे ढूंढना है और आर क्वेश्चन में कितना दिया है 8, तो आर स्क्वायर के बदले क्या लिखूंगा 8 स्क्वायर, चाहिए तो देख लो आर 8 दिया है अपने को। सो 10 का स्क्वायर होता है 100, एच स्क्वायर वैसे का वैसे लिखो, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब यहाँ पे प्लस 64 है, हम उसको वहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा -64, एच स्क्वायर वही रहेगा क्योंकि मुझे नंबर एक साइड चाहिए और लेटर एक साइड चाहिए, 100 में से 64 उड़ा दो 36 बचेगा, एच स्क्वायर वैसे का वैसे लिखो। लेकिन स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर हाइट, हमें एच चाहिए, हमें एच स्क्वायर में इंटरेस्ट नहीं है। सो मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों जगह स्क्वायर रूट लगाऊंगा, एच स्क्वायर का क्या हो जाएगा एच, 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6, ये 6 6 36 होता है, ठीक है, डेट इज एच इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो आपको एल मिल गया था जो है 10 सेंटीमीटर और आपको एच भी मिल गया 6 सेंटीमीटर, समझ में आ गया, ओके। सो हमेशा कभी भी रट्टा मत मारो क्वेश्चन को कि हाँ भैया ये 251.2 वाला क्वेश्चन आ गया तो पहले मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा या ये फॉर्मूला लगाऊंगी, डोंट डू डैट, जो गिवन दिया रहता है ना उसी का फॉर्मूला लगाने का, धीरे धीरे अपने आप आंसर आते जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करो स्टूडेंट्स, ये 3 3 4 4 मार्क का आएगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में करूँगा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज़ प्रैक्टिस वेल।